स्क्रीन और वॉइस आ रही है सबको? एक बार यस भी लिखो चैट बॉक्स में। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास मान लो एक लाइन दिया हुआ है और एक सर्कल दिया हुआ है, तो वो कितने टाइप से इंटरसेक्ट कर सकता है। एक तो केस होगा जब लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, एक केस होगा जब लाइन सर्कल को टच करके जा रही होगी किसी पॉइंट पे, ठीक है, और एक केस होगा जब लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो ये तीन केस पॉसिबल है। एक सिंपल सा सर्कल ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से आर स्क्वायर या ए स्क्वायर मान लेते हैं सर्कल, और लाइन की इक्वेशन को मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इस जो फर्स्ट केस है हमारा, इसमें लाइन सर्कल के साथ दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड केस में टच कर रही है और थर्ड केस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर मैं वाई को इसमें सेटिस्फाई करा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो मिलेगा। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अगर इसमें मैं सेटिस्फाई करा दूंगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो वो सेटिस्फाई कराते हैं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमारे लिए कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मतलब वैसे तो हमें पता है कि भाई लाइन और सर्कल ये तीन तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट ये हमें टेंजेंसी पढ़नी है कि भाई एक लाइन जो है वो सर्कल की टेंजेंट होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, वो हम सीखना चाहते हैं यहाँ पे इस टॉपिक में। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स यहाँ पे वाई को एम एक्स प्लस सी पुट कर दिया, अभी क्वाड्रेटिक बन जा रही है, देखो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक आ रही है वो आ रही है एम स्क्वायर प्लस वन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना तो आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब अगर ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रियल रूट आएंगे तो उसका क्या मतलब होगा, अगर ये जो हाँ सर्कल का सेंटर जीरो जीरो मान लिया और रेडियस सेम मान लिया ना हमने, तो इसीलिए वो सर्कल की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जनरल सर्कल भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपको सेम तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। तो जनरल सर्कल में क्या होगा, सेंटर आपका माइनस जी माइनस एफ होगा और रेडियस उसमें अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। यहाँ आपका जो सेंटर है वो जीरो जीरो है और रेडियस सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सर्कल मान लिया एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, वाई मैंने मान लिया एम एक्स प्लस सी, उसको उसमें सेटिस्फाई करा दिया और एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब अगर जो मेरा फर्स्ट केस होगा, इसमें जो मेरा फर्स्ट केस होगा वहां से मेरा डी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ से मेरा सेकंड केस होगा उसमें डी इक्वल टू जीरो होगा, और जो मेरा थर्ड केस है
उसमें यहाँ पे डी नेगेटिव होगा। ये बात समझ आ रही है सबको? डिस्क्रिमिनेंट भाई, यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो उस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे टच करके जा रहा है इसलिए डी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है इसलिए डी नेगेटिव होगा। बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो अब हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो टेंजेंसी चाहिए, फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम क्या करेंगे, डी को जीरो कर देंगे। उसमें क्या होता है, जब डी जीरो करते हो तो होता क्या है, जैसे आपने कुछ बच्चों ने इसमें पैराबोला पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक में, तो जब कभी भी एक लाइन किसी कर्व को टच करती है ना, तो वहां पे डबल रूट आता है, मतलब एक रूट दो बार आता है। वो डबल रूट कब बनता है, जब डी इक्वल टू जीरो होता है। ये तो इक्वल रूट्स आते हैं ना हमारे पास, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। तो अगर डी इक्वल टू जीरो करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2cm का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into a is m square plus 1 into यहाँ पे c square minus a square। इससे हमारे पास ना c की वैल्यू आ जाएगी, अभी देखना आप, मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 4 तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा c square m square minus, यहाँ से क्या आ जाएगा, m square c square minus a square m square plus c square minus a square is equal to 0। अब ये m square c square, ये m square c square से कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, c square, ये माइनस सी स्केयर हो जाएगा, सी स्केयर हो जाएगा ए स्केयर टाइम्स ऑफ एम स्केयर प्लस वन। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस ए टाइम्स ऑफ एम स्केयर, ए टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एम स्केयर प्लस वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लाइन की स्लोप आप एम मानते हो, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, इसके बराबर आएगी। सो दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बात समझ आ गई, इन स्लोप फॉर्म। इसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म, क्योंकि स्लोप एम माना हुआ है ना हमने इसमें, तो स्लोप अगर आप एम मान रहे हो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ भाई, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। हाँ ठीक है, इसको भी याद रखना है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी याद रखना है, मतलब जो आपके, अब जैसे ये सर्कल हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, इसका सेंटर क्या हो गया, 0,0, ठीक है। मान लो ये टेंजेंट आ रही है स्लोप एम की, ठीक है, इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। मान लो ये टेंजेंट आ रही है, इसको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वो भी अभी निकालना सिखाऊंगा, वो भी हमें याद करना है, ठीक है, वो यहीं पे लिखेंगे हम। अच्छा, अब इसमें एक चीज अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें दो टेंजेंट आ रही है, एक प्लस वाली आ रही है और एक माइनस वाली आ रही है। वो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक स्लोप की हमारे पास दो टेंजेंट पॉसिबल है ऑन अ गिवन सर्कल। वो कौन सी होंगी, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट पर होंगी। तो जैसे एक टेंजेंट हमारी यहाँ पर भी तो आएगी जिसको टच करके जा रही होगी, ठीक है, तो एक क्यू आ गया हमारे पास, ये तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। समझ गए? तो एक स्लोप, वो प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक स्लोप के हमारे पास दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक तो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, एक है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है, वो अब हम थोड़ी देर में निकालेंगे। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है, मतलब ये जैसे अभी कई बार क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कई बार मतलब डी इक्वल टू जीरो से वो इजी हो रहा है, कई बार किसी और तरीके से इजी हो रहा है, तो कई बार स्लो फॉर्म से इजी होगा, कई बार पैरामेट्रिक फॉर्म से इजी होगा। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट तरीके हमारे को मतलब सूट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो एक और तरीका है इसको निकालने का, तो वो ऐसा है कि मान लेते हैं ये सेम सर्कल, मान लो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और लेट से इस लाइन की इक्वेशन को मैंने मान लिया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
ठीक है। अब आपको ये पता है कि टेंजेंट के लिए, 10th में आपने पढ़ा होगा कि ये कंडीशन भी होती है कि टेंजेंट के लिए कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ऑन अ पर्टिकुलर लाइन इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस के बराबर होता है। तो हमने लाइन की क्वेश्चन मान लिया एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब 0,0 से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगर वो ए के बराबर हो जाता है तो ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो निकाल लो 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0 - 0 प्लस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + m² दिस शुड बी इक्वल टू ए। तो मॉड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अंडर रूट 1 + m². अब ए पॉजिटिव मान लेते क्योंकि ये तो रेडियस है, तो सी की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 + m². ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 + m², तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। बताओ तो भाई नहीं समझ आया। देखो मैंने अभी आपको ये बताया, आपने 10th में पढ़ा हुआ है ना कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है जो क्यू से पास करने वाली टेंजेंशियल लाइन है उसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लो। ठीक है, तो 0,0 से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर कर दो, ए के बराबर कर दो। ये भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कहीं पर भी टेंजेंट करनी है तो क्या करो, डायरेक्टली मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो, ज्यादातर हम यही यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप रेडियस के बराबर कर दीजिए, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको आता ही है, वो पॉइंट इसमें पुट करो तो 0 - 0 + c अपॉन अंडर रूट 1 + m² इक्वल टू रेडियस, ये कर दिया। तो मॉड सी ए अंडर रूट 1 + m² आ गया, सी की वैल्यू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 + m² आ गई, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। तो एक स्लोप की दो टेंजेंट क्यों आ रही है ये भी आपको समझ आ गई, वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट की टेंजेंट्स होती हैं। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म सबको क्लियर हो गई, इसमें एक चीज अभी बची हुई है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे निकालना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो एक लाइन एक सर्कल को 3 तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती है, तो उसमें अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो वो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, डी इक्वल टू 0 है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी मतलब वो लाइन टेंजेंट बन जाएगी, डी नेगेटिव है तो वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे अभी हमने स्लो फॉर्म पढ़ ली, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट, अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो हम अभी कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है पी, जो पी के कोऑर्डिनेट आते हैं। अब जैसे ये प्लस ऊपर है तो प्लस वाले के लिए प्लस वाला लेना है, ठीक है, ऊपर वाला लेना है, प्लस माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट 1 + m² कॉमा माइनस प्लस ए अंडर रूट ऑफ 1 + m², इसको डिराइव कर दूंगा अभी मैं थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि दोबारा नाम ना पड़े यहाँ पे। तो एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 + m², जो प्लस वाली टेंजेंट लोगे तो उसके लिए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, जब माइनस वाली इक्वेशन लोगे उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो पॉइंट फॉर्म पे आते हैं, फिर इस पे भी आएंगे। तो पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट है हमारे पास कि मान लो एक सर्कल है, अभी जनरल सर्कल मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्ट दोनों के लिए लिखने हैं, जनरल सर्कल के लिए भी लिखने हैं और जो सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन है उसके लिए भी लिखने हैं। तो अभी मैं जनरल सर्कल मान रहा हूँ, तो मेरा सर्कल की क्वेश्चन है एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लेते हैं इसके ऊपर, पॉइंट पॉइंट फॉर्म में क्या होगा ना, पॉइंट दिया होगा बेटा आपको, आपको पॉइंट दिया जाएगा, आपको टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी होगी। ठीक है, तो और इसका सेंटर कितना है हमारे पास, -g - -f, ये रेडियल लाइन हो जाएगी और ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी जो कि हमारी टेंजेंट है, मेरे को इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो बड़ा इजी है, आप अगर मान लो कि आपको ये बोला ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो बड़ा इजीली निकालोगे, इसकी पहले स्लोप निकाल लो, तो स्लोप किसके बराबर आएगी, y1 + f / x1 + g। ठीक है, तो y1 + f / x1 + g ये इसकी स्लोप आ गई। तो ये जो जो ये वाली लाइन है जो टेंजेंशियल लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, एम ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, -x1 + g / y1 + f आ जाएगा। समझ आती है ये वाली बात, तो
ठीक है, तो लाइन की क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या बनेगा, वाई एम माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज माइनस ऑफ एक्स वन प्लस जी अपॉन वाई वन प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई माइनस वाई वन इंटू वाई वन प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये बन जाएगा एक्स एक्स वन माइनस एक्स वन स्क्वेयर, ठीक है, प्लस जी एक्स माइनस जी एक्स वन। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वेयर माइनस एफ वाई वन इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वेयर माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स वन। ठीक है, तो अब इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, इस पूरी टर्म को इधर ले जाओ या कुछ भी कर लो, एक ही बात है, इसको उधर ले जाते हैं। ये बन जा रहा है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, ठीक है, ये टर्म उठा ली मैंने, ये वाली टर्म उठा ली है, प्लस जी एक्स वन आ रहा है और माइनस जी एक्स आ रहा है ना मेरे पास, तो प्लस जी टाइम्स ऑफ ये वाली टर्म जो आएगी ना, ये वाली टर्म, इसको तो लेके जाता हूँ, प्लस जी एक्स माइनस जी एक्स वन। अब मैंने ये दोनों टर्म भी उठा ली, ठीक है, और वाई, ओके वेट, अब स्क्रीन मैंने रीशेयर करी अभी, देखिए आप, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन टर्म्स को सबको इधर लेके जा रहा हूँ, तो जी एक्स माइनस जी एक्स वन हो गया, प्लस यहाँ पे एफ वाई माइनस एफ वाई वन हो गया, ठीक है, माइनस एक्स वन स्क्वेयर आ गया, माइनस वाई वन स्क्वेयर इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी जैसे ये बड़ी सी क्वेश्चन आई है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पॉइंट एक्स वन वाई वन लाइज ऑन दिस सर्कल, तो पॉइंट एक्स वन वाई वन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑल्सो। तो हमारे पास एक कंडीशन आएगी, एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आएगी ना, क्योंकि पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर की, तो माइनस ऑफ एक्स वन स्क्वेयर और माइनस ऑफ वाई वन स्क्वेयर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई माइनस जी एक्स वन माइनस एफ वाई वन। अब एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आएगी टू, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस टू जी एक्स वन, टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये फाइनली मेरे पास इक्वेशन बन जा रही है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस ये और इसको क्लब करेंगे तो ये बन जाएगा जी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स वन, ठीक है, इसको और इसको क्लब करोगे तो एफ वाई वन आ जाएगा, और इसको क्लब कर दोगे इसके साथ तो एफ टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, इजी से आया, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मुश्किल है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम टी इक्वल टू जीरो बोलते हैं। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है आपको, आपके पास सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो उसका रूल होता है एक्स स्क्र को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है, वेयर एक्स वन वाई वन इज द पॉइंट, एक्स वन वाई वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो एक्स स्क्र को किससे रिप्लेस करना है, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, वाई वाई वन से, ठीक है, टू एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स प्लस एक्स वन से, टू वाई को किससे रिप्लेस करना है, वाई प्लस वन से। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, तो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, वाई वाई वन से, टू एक्स को एक्स प्लस एक्स वन से, टू वाई को वाई प्लस वाई वन से। ठीक है, और अगर फ्यूचर में कभी टर्म आती है टेंजेंट लिखने के लिए, एक्स वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू से, ये टर्म अभी सर्कल में तो नहीं आएगी बट जैसे इलिप्स में, पैराबोला में, इन सब में आ सकती है। ठीक है, तो अब देखो आप दोबारा से, मान लो आपके पास सर्कल की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसने बोला कि भाई एक्स वन वाई वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स वन वाई वन, टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, पॉइंट पी एक्स वन वाई वन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। तो वो क्या लिखोगे, एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स एक्स वन से, वाई को किससे रिप्लेस करना है, वाई वाई वन से, टू एक्स को किससे रिप्लेस करना है, एक्स प्लस एक्स वन से,
टू वाई को किससे रिप्लेस करना है, वाई प्लस वाई वन से प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन बस। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आएगी इसमें, मतलब लीनियर इन एक्स एंड वाई है ये, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आएगी एट एक्स वन वाई वन। मान लो अगर सर्कल की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन, ठीक है, टेंजेंट की क्वेश्चन, ये टेंजेंट की क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आ जाएगी इसमें, एक्स स्क्वायर किसे रिप्लेस करना है, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे सर ये रिप्लेस क्यों करे जा रहे हो आप, भाई ये हमने डिराइव किया, अब क्या है कि आपको चीजें याद भी तो करानी है, ऐसा थोड़ी होगा पेपर में, अब आप ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी सी टर्म एज इट इज याद कर लोगे, तो वो इसीलिए अब ये याद कराने के लिए आपको ये मेथड बताया गया है, दिस इज अ मेथड टू राइट टेंजेंट, मेथड टू राइट टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन। ठीक है, इसका डेरिवेशन तो हमने ऊपर किया आपके सामने, मैंने इसको डेराइव किया, फिर उसमें वो भी यूज किया कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, उसको पुट करके ये स्टेटमेंट आ गई, तो फिर अब इसको, अब हमने क्या किया, अब जैसे मान लो अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इसकी टेंजेंट लिखो एट एक्स वन वाई वन, तो वो लॉजिक हर जगह का वर्क करेगा, तो वो क्या लॉजिक है कि भाई वाई स्क्वायर की जगह क्या करना है, वाई वाई वन लिख देना है, ठीक है, टू एक्स की जगह क्या लिख देना है, एक्स प्लस एक्स वन, तो यहाँ पे टू ए छोड़ा और टू एक्स लिख दिया उसके एक्स प्लस एक्स वन, तो ये उसकी टेंजेंट होगी, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स की टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन, डिराइव करके भी देखेंगे वहां पे। सबको ये बात यहां तक जो मैंने बताया समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गया आपको ना। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि एक्स वन वाई वन अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखनी है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये मान लेता हूँ एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो इस पे मैंने आपको बोला कि अब आप एक काम करो कि 3.4 पे इसकी टेंजेंट लिखो, एट 3.4 राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो हम डायरेक्ट लिख देंगे, अब हम वो डिराइव डिराइव नहीं करेंगे, तो 3.4 इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्या करोगे, 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू जीरो, समझ आ गया कैसे लिखा है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, बस एक्स की जगह एक्स एक्स वन लिख देना है, वाई की जगह वाई वाई वन लिख देना है, तो 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल टू जीरो, इन लाइक कर रहे हैं। देखो अभी ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए सब लोग, माइक से बोलो एक बार, अभी दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब ये हो गई हमारी पॉइंट फॉर्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब यही है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके, है ना, तो हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो एक सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसका सेंटर है 0.0
तो अब आप क्या करोगे, आपके पास किसी एक सर्टेन, अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एंगल थीटा है, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, आप लिख लेते हो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, वो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, ये होता है ना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मान लो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, रेडियस ए है, तो इस सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कुछ नहीं, पॉइंट फॉर्म लगा देनी है आपको इसमें भी। तो मान लो ये एक्स वन वाई वन होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स वन की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ए के कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए इक्वल टू जीरो, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है, ये किस पॉइंट के ऊपर आई है, एट ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ठीक है, अब मान लो आप बोलोगे कि सर हमारे पास मान लो जनरल सर्कल है, उसके लिए कैसे लिखेंगे, है ना, तो उसके लिए बताता हूँ। मान लो जनरल सर्कल है, एक्स के प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस जी का होल स्क्वेयर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, वेयर आर इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। ये तो होता है जनरल सर्कल, ऐसे तो लिखते थे। वैसे तो ये क्वेश्चन लिखी जाती है, बट सी की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर ही तो होती है, तो मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैंने लिख दिया कैपिटल एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास आया है इक्वेशन, ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आया है, ये हमारे पास कुछ ऐसा सर्कल आ जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा, जीरो जीरो, मतलब नए कोऑर्डिनेट्स में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। ठीक है, और अगर हम ये थीटा मान लेते हैं, और ये आर तो है ही गिवन है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो इस फॉर्मेट में अब इसमें इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये क्वेश्चन आ जाएगी इसकी। ठीक है, बट हमें तो किस में जाना पड़ेगा, ओल्ड में जाना पड़ेगा। अब ओल्ड में जाने के लिए क्या करेंगे, तो हमने नए सिस्टम में जाके टेंजेंट की क्वेश्चन लिख दी है, अब ओल्ड में जाने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल एक्स हमारा किसके बराबर है, एक्स कैपिटल एक्स किसके बराबर, स्मॉल एक्स प्लस जी कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई किसके बराबर है, वाई प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक्स प्लस जी कॉस थीटा प्लस वाई प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। ये हमने शिफ्टिंग कर दी ना यहाँ पे, जैसे अब ये क्वेश्चन है, एक्स प्लस जी को हमने कैपिटल एक्स मान लिया, वाई प्लस एफ को कैपिटल एफ मान लिया, अभी एक नया सिस्टम आ गया, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आती है हमें। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा है, तो क्या इक्वेशन आएगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब कैपिटल एक्स हमारा किसके बराबर था, स्मॉल एक्स प्लस जी, कैपिटल वाई किसके बराबर था, स्मॉल वाई प्लस एफ, वो रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मतलब आपका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, तो उसके लिए मैं आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सिखा रहा था इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं, एक ये वाला भी कर लेते हैं, जो हमारी स्लोप फॉर्म थी वो हमने इसके लिए लिखी थी ना, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए, तो वो भी कर लेते हैं। तो मान लो एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर है प्लस, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट जनरल सर्कल। तो वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फिर आर इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसके लिए मेरे को अगर स्लोप फॉर्म लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, कैपिटल वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके लिए टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आती है, वाई इज इक्वल टू एम कैपिटल एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर था, यहाँ रेडियस आर है। ठीक है, वाई की जगह क्या लिख दोगे, वाई प्लस एफ
इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ एक्स प्लस जी प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इसकी हो जाएगा। उसमें ये करना होता है जब भी आप शिफ्टिंग करते हो ना, तो सारी चीजें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में सॉल्व करो, लास्ट में जाके उसको कैपिटल वाई की जगह पे वाई प्लस एफ रखना है, स्मॉल वाई प्लस एफ, और कैपिटल एक्स की जगह पे स्मॉल एक्स प्लस जी रखना है। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना था, वो मैं आपको निकालना बता देता हूँ। तो मान लो जैसे हम इस सर्कल के लिए निकाल लेते हैं, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू अ गिवन कर्व, ठीक है, तो वो कर्व इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, और उन सबको निकालने का एक ही तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये इसका निकालने का बेस्ट तरीका है। ऑब्वियसली दूसरा तरीका भी है, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करके भी कर सकते हो आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी निकल जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला ये टेंजेंट है मेरी, ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है xk plus y square is equal to a square, और ये टेंजेंट की इक्वेशन है y is equal to mx plus a under root 1 plus m square, हमने निकाली थी अभी स्लोप फॉर्म में, ठीक है। तो अब वो कह रहा है ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो, जो पॉइंट P है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो। तो पहला तरीका तो क्या है कि आप इसके y को उठा के इसमें पुट कर दो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, ठीक है, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, d जीरो करके इक्वल रूट आएगा ना x का, तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट अब जैसे अभी इसमें वेरिएबल्स है ना, a भी है m भी है, तो इस केस में वो करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मान लो अगर वैल्यूज दी होती, जैसे ऐसा दिया होता x plus y square is equal to 4 है, y is equal to 3x plus, ऐसे करके एक लाइन दे दी और बोला कि ये इसकी टेंजेंट है, तो उसमें वो सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाता, ठीक है। बट स्टिल वो तरीका एनी हाउ, जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको हम ज्यादा फॉलो करते हैं। तो मान लो मेरे को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है x1 y1, ठीक है, इसी सर्कल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट पी पे पहले टेंजेंट लिख देता हूँ, पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पॉइंट पी पे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब पॉइंट पी पे इस लाइन की जो टेंजेंट गिवन है, जो ऑलरेडी स्लो फॉर्म में गिवन है, वो क्या है, वो है एम एक्स माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, प्लस वाली उठा लिया मैंने, माइनस वाली भी उठा सकते हो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम एक्स माइनस वाई प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, आपने क्या किया, ये दोनों टेंजेंट एक ही तो है भाई, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट लिख दी पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, पॉइंट फॉर्म वाली टेंजेंट लिख दी और ये स्लोप वाली लिख दी, तो दोनों सेम कर दो। सेम दो लाइन सेम कब होती है, दो लाइन कोइंसिडेंट कब होती थी, जब ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू होता है। तो करो, क्या वैल्यू आएगी, देखो एक्स वन बाय एम इज इक्वल टू वाई वन बाय माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स वन वाई वन आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड एम, और वही हम चाहते थे, हम x1 y1 ही तो चाह रहे हैं, बट किसकी टर्म्स में चाह रहे हैं, x1 y1 की टर्म्स में नहीं चाह रहे, a और m की टर्म्स में चाह रहे हैं। तो x1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, a के से a कट जाएगा, माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट, ठीक है, y1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो a अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, समझ गए। तो जब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये किसके लिए हो गया, ये कौन सी लाइन के लिए हो गया, y is equal to mx plus a under root 1 plus m square के लिए, ये वाली लाइन के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया हमारे पास। अब मान लो यहाँ पे होता y is equal to mx minus a under root 1 plus m square, ठीक है, इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं आपके, तो अब आप a की जगह माइनस a घेर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे माइनस a पुट कर देते हैं, माइनस a आता तो साइन माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाता, आपका x1 हो जाता a m upon a under root 1 plus m square, ठीक है, y1 हो जाता माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर, तो वो साइन उल्टे हो जाते हैं, और यही हमने लिखा था अगर आपको याद हो। तो प्लस वाले के लिए देखो x1 और y1 की वैल्यू अब कंपेयर करो, यहाँ पे जो हमने लिखी थी स्टार्टिंग में माइनस ए एम अपॉन अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर लिखा हुआ है ना x1, माइनस प्लस वाले के लिए x कोऑर्डिनेट इसका प्लस आ रहा है, एक मिनट रुको, प्लस वाले के लिए हमने कौन सा लिखा है, प्लस वाला लिखा है, प्लस वाले के लिए, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन हो गई x x1 plus y y1 minus a square y is equal to mx plus, हाँ हमने प्लस वाली क्वेश्चन लिखी, तो यहाँ पे आएगा x1 by m
इज इक्वल टू वाई वन बाय माइनस वन इज इक्वल टू माइनस बाय दस, ठीक है, तो एक्स वन नेगेटिव आ रहा है ना प्लस वाले के लिए, हाँ, तो यहाँ पे फिर हमने इसका मतलब है तो गड़बड़ किया हुआ है, वो देख लेता हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पे आएगा प्लस वाले के लिए प्लस है, हाँ, तो प्लस वाले के लिए प्लस, माइनस माइनस प्लस, एक मिनट मेरे को चेक करने दो इसको बुक में, मेरे को थोड़ा साइन का कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, हाँ ये साइन हमने यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, तो जब प्लस ए एम अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर है तो प्लस वाले के लिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब यहाँ प्लस लोगे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा, जब माइनस लोगे यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वही हमारे यहाँ पे प्लस पे माइनस और प्लस के साइन आ रहे हैं ना, देखो यहाँ यहाँ हमने सही किया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा प्लस जब आ रहा है यहाँ पे माइनस और प्लस के साइन आ रहे हैं, ठीक है, अब वहां पे भी सही कर दिया, यहाँ पे सही, समझ आ गया सबको ये कैसे किया, स्क्रीन लैग तो नहीं होनी चाहिए बेटा अब, ओके चलो, मैं एक बार और शेयर कर रहा हूँ, रुको, अभी आ रही है स्क्रीन, एक बार बताओ मुझे, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे किया हमने, हमने क्या किया, एक तो स्लोप फॉर्म लिख दी, ठीक है, और एक हमने पॉइंट फॉर्म लिख दी और दोनों को कंपेयर कर दिया, तो हर बार आपको ऐसे ही करना है, जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो तो जो भी टेंजेंट की इक्वेशन दी है उसको पॉइंट फॉर्म लिख के कंपेयर कर दिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें टेंजेंट की क्वेश्चन लिखनी आ गई है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है, अब इसके बाद आता है नॉर्मल टू अ सर्कल, नॉर्मल कैसे लिखोगे किसी भी सर्कल की, ये भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, नॉर्मल बड़ी इजी होती है, तो नॉर्मल के लिए कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टू अ सर्कल, ठीक है, तो नॉर्मल इज अ लाइन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लिखना चाहिए प्रिसाइजली विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, जैसे मान लो एक सर्कल है आपके पास और आपके पास ये टेंजेंट लाइन है, सर्कल मान लेते हैं एक्स के प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसका से, उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है मान लेते हैं, तो सेंटर इज 0 0, ठीक है, अब मान लो ये लाइन आपने निकाली हुई है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर भी ले सकते हो, यहाँ ही नहीं आएगा आंसर, अब ठीक है, हाँ
अब देखो यहाँ पर क्या है कि एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर हो गया, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल हो गया, उसकी टेंजेंट हो गई। अब नॉर्मल निकालना आपके लिए बहुत आसान है, नॉर्मल हमेशा क्योंकि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होती है तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगी, तो नॉर्मल की क्वेश्चन है। अब इसकी स्लोप आपको पता है जैसे एम है तो कितनी हो जाएगी माइनस वन बाय एम, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाय एम इंटू एक्स माइनस जीरो, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी एम वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गई, बड़ी इजी है। अगर मान लो आपको सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर जीरो जीरो है और पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, भी बड़ा इजी हो गया है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो क्या होगा, जो नॉर्मल होगी यहाँ से ऐसे पास करेगी, नॉर्मल इज क्लियरली पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन एंड जीरो जीरो, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या करोगे वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज वाई वन बाय एक्स वन इंटू एक्स माइनस जीरो, तो ये इसकी क्वेश्चन आ जाएगी। नॉर्मल की इक्वेशन निकालना तो बहुत ही आसान है, बस क्या करो टेंजेंट की स्लोप बताओ, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लो और सेंटर से पास करा दो, ठीक है। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रॉब्लम हुए थे एक बार चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है। प्रॉब्लम है देखो, द सर्कल एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई, रोल्स ऑफ द टेंजेंट टू इट, एट टू प्लस रूट थ्री कॉमा थ्री बाय टू यूनिट्स, अज्यूमिंग द एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, इंडेक्स टू डे लिखने की जरूरत नहीं है, अज्यूमिंग एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, वो सबको पता है हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन योर पोजीशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन न्यू पोजीशन, चलो भाई बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सर्कल एक्स के प्लस वाई के माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन, रूल्स ऑफ द टेंजेंट टू इट एट टू प्लस रूट थ्री कॉमा थ्री बाय टू यूनिट्स, एक्स एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन न्यू पोजीशन निकालो, मतलब वो सर्कल रोल करके ऊपर चला गया है, ठीक है, टेंजेंट के ऊपर, तो बताओ क्या करना है।
नहीं, सर्कल मूव करेगा बेटा, ऐसा थोड़ी है। टेंजेंट तो एक ही है, मतलब जैसे ऐसा कुछ होगा कि टेंजेंट यहाँ पर, जैसे एक टेंजेंट है, सर्कल आपका यहाँ पर है, ठीक है, इसका जो भी सेंटर और रेडियस है। अब ये सर्कल मूव कर गया ऊपर को, ये जब रोल करके ऊपर जाएगा तो ये कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा ना, समझ रहे हो? तो वो सर्कल की पोजिशन निकालनी है। स्क्रीन हैंग नहीं है बेटा, अभी क्वेश्चन दिया हुआ ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के करो। नहीं सही नहीं है अभी तक। तनिषा का -6x। हाँ तनिषा का आंसर सही है, तनिषा गोयल का आंसर सही है। तनिषा बेटा आप बताओ, माइक से कैसे किया आपने? देखो चलो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सब लोग। देखो एक तो हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर कितना है, 2,4, ठीक है, और रेडियस कितना आ रहा है, देख रहे हो, 2,4 इसका सेंटर, रेडियस कितना आ जाएगा, 4 + 16 - 16, सो रेडियस विल बी 2, ठीक है। तो एक जो सर्कल है उसका सेंटर मेरे पास 2,4 आ गया और रेडियस 2 आ गया, बड़ा, ठीक है। द सेंटर इज 2,4 एंड रेडियस इज 2, ठीक है। नाउ इसके ऊपर उसने बोला है रोल्स ऑफ द टेंजेंट टू इट एट 2 + √3,3। तो अब ये देख लो कि 2 + √3,3 इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो वो 2 + √3,3 इसके ऊपर कब आएगा, जब ये वाला डिस्टेंस 2 के बराबर होगा रेडियस के बराबर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, √ 2 - 2 + √3, तो -√3 का 3, 4 - 3 = 1, तो ये 2 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब ये जो टेंजेंट है ये कितने यूनिट से ऊपर मूव करेगी, 2 यूनिट से, टेंजेंट नहीं, सॉरी, जो सर्कल है, सर्कल रोल्स अप द टेंजेंट टू इट एट बाय 2 यूनिट। तो अब सर्कल मूव करेगा, तो सर्कल जब भी सर्कल मूव करेगा तो ऐसा होगा ना, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये हर पॉइंट उसका 2 यूनिट ऊपर मूव कर जाएगा। तो बेसिकली ऐसा होगा, जब ये रोल करके ऊपर जाएगा 2 यूनिट,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसका सेंटर भी 2 यूनिट्स मूव कर जाएगा। तो अगर सेंटर इसका 2 यूनिट मूव करेगा तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। हर एक पॉइंट 2 यूनिट ऊपर मूव करेगा ना, लॉजिक तो ये कहता है कि हर एक पॉइंट 2 यूनिट ऊपर मूव करेगा तो सेंटर भी 2 यूनिट ऊपर मूव करेगा। ठीक है, आप समझते हो ना, जैसे ये रोल करके ऊपर जा रहा है तो हर एक पॉइंट 2 यूनिट ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अब जब सेंटर 2 यूनिट ऊपर मूव करेगा तो हमें अब क्या चाहिए कि ये वाली पोजीशन चाहिए। जैसे इसको मान लेते हैं P, तो मेरे को Q वाली पोजीशन चाहिए क्योंकि रेडियस 2 है तो इस सर्कल की पैरी करीब आ जाएगा। आपका सर्कल जो होगा व्हील टाइप, मान लो ना कि एक व्हील है, वो किसी एक इंक्लाइंड वेज के ऊपर ऊपर को हम उसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट Q विल बी ऑन द पेरिफेरी ऑफ द प्रीवियस सर्कल। ठीक है, और ये जो ये वाला सर्कल है अपना नया सर्कल है वो ये वाला हो जाएगा। तो हमें अब इसकी इक्वेशन चाहिए ना, इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। तो बेसिकली हमें सेंटर पता करना है, रेडियस तो हमें पता है ये 2 यूनिट है। अब सेंटर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही हैं, ये 2 यूनिट है। ठीक है, तो उसके लिए पी क्यू की स्लोप चाहिए होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म लगा सकते हैं, पॉइंट पता है, डिस्टेंस पता है, स्लोप पता चल जाएगी तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए पी हमें पता है, दिस इज 4-3, 2-2+√3। अगली बात समझ में, 4-3, 2-2+√3। तो ये वाली स्लोप हमारे पास आ जा रही है -1/√3। ठीक है, तो AP की स्लोप आ गई -1/√3। तो PQ की स्लोप कितनी आ जाएगी, PQ की स्लोप आ जाएगी हमारे पास √3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q आ जाएंगे हमारे, PQ की स्लोप कितनी आ गई, √3 आ गई ना। कोऑर्डिनेट ऑफ Q किसके बराबर जाएंगे, ऊपर को जाना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2+2cos π/3 ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, sin 60√3/2, तो ये हो जाएगा 4+√3। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x-3 का होल स्क्वायर सेंटर पर चल गया ना मैं, y-4+√3 का होल स्क्वायर, रेडियस में पता ही था 2 का होल स्क्वायर 4। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आप। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन है, ऑल क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर करो एक बार सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस वाज Problem 8, problem 9. If A is greater than 2, B greater than 0, then the positive value of M for which y is equal to mx minus b under root 1 plus m square is common tangent to x square plus y square is equal to b square, and x minus a whole square plus y square is equal to b square. करो भाई इसको। इसमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू, सो दैट दिस इज कॉमन टू बोथ द सर्कल। कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब हो गया, ये जो इक्वेशन दी हुई है ये पहले वाले सर्कल की भी टेंजेंट है, दूसरे वाले सर्कल की भी टेंजेंट है।
तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। करो भाई जल्दी से। इसका आंसर आ रहा है बताओ। नहीं वन नहीं आएगी बेटा, इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ ए और बी आएगा ना। एम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आएगी, किसी का भी नहीं आया। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल की तो टेंजेंट है ही, क्योंकि इस सर्कल की टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इसका रेडियस भी है ना बेटा, ठीक है। तो ये तो इसकी टेंजेंट तो है ही, तो इसकी टेंजेंट करने की तो आपको जरूरत है ही नहीं, इसको अब आप बस इसकी टेंजेंट बना दीजिए। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, अगर कॉमन टेंजेंट होना है तो दिस शुड बी ए कॉमा जीरो से जो इसका सेंटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी के बराबर होना चाहिए,
इसको मैंने ऐसे लिख लिया एम एक्स माइनस वाई माइनस बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो से ए कॉमा जीरो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी के बराबर कर देते हैं. क्या आ जाएगा एम माइनस बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मॉड दिस शुड बी इक्वल टू बी. तो एक आ जाएगा ए एम माइनस बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा प्लस माइनस बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर. अगर आप माइनस लोगे तो एम जीरो आ जाएगा तो वो तो हटाना ही पड़ेगा हमें. तो ए एम दिस शुड बी इक्वल टू टू बी अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर और ए एम इज इक्वल टू जीरो जब आप माइनस वाला केस लोगे. दिस इज नॉट पॉसिबल. एम तो जीरो होगा ही नहीं क्योंकि उसने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम बोला हुआ है क्वेश्चन. नहीं तो एम जीरो पॉसिबल हो जाता. इसमें उसने क्या बोला हुआ है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम. ठीक है इसीलिए हमें एम जीरो वाला केस नहीं लेना है. तो यहां से आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर एम स्केयर इज इक्वल टू फोर बी स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर. ठीक है तो ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस फोर बी स्केयर टाइम्स ऑफ एम स्केयर इज इक्वल टू फोर बी स्केयर. तो एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस फोर बी स्केयर. ठीक है बिकॉज बी इज पॉजिटिव और एम की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अंडर रूट इज पॉजिटिव. सो एम विल बी इक्वल टू टू बी अपॉन under root of a square minus 4b square. So this is the answer. देख लो भाई सबको समझ आ गया. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. इस क्वेश्चन में क्या था चलो मैं रिपीट कर रहा हूं. देखो कि हमारे पास एक टेंजेंट दी हुई थी. उसने बोला ये टेंजेंट जो है दोनों सर्कल की टेंजेंट होनी चाहिए. ठीक है अगर आप डायग्राम बना के देखते हो तो कुछ ऐसा आएगा कि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल कुछ ऐसा है और आपकी एक टेंजेंट हो रही है ऐसे. ठीक है दैट शुड बी कॉमन टेंजेंट. दोनों पे कॉमन टेंजेंट हो रही है. तो हमने क्या किया आपने देखा भाई ये टेंजेंट इसकी तो है ही ऑलरेडी. इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो बी आ जाएगा. इसकी हमें टेंजेंट करनी थी तो ए कॉमा जीरो से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर कर दिया बी के बराबर. तो ए कॉमा जीरो से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने बी कर दिया. ठीक है तो वो करने के बाद हमारे पास एम की वैल्यू आ गई बस खत्म. पेंडिकुलर डिस्टेंस को बी किया हमने दूसरे सर्कल के लिए ए कॉमा जीरो से उसकी भी टेंजेंट हो जाएगी ना. तो पहले की तो टेंजेंट है ही दूसरे की भी टेंजेंट कर दोगे तो कॉमन टेंजेंट हो गई. ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं. तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 9. प्रॉब्लम 10 द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 lie on the circle xk plus y square is equal to 25. The locus of any point in the set is. करो भाई इसको करो.
चलो मैं बता रहा हूँ, अब इसने क्या बोला हुआ है, सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 लाई ऑन द सर्कल, ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसका रेडियस 5 हो गया, ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ये 5,0 हो गया, ये 0,5 हो गया, ठीक है, तो ये सेंटर हो गया 0,0। अब सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल्स, तो अब कुछ सर्कल्स हैं जिनके सेंटर इसकी पेरिफेरी पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन दिस सर्कल, ऐसा हो गया कि एक सर्कल है जैसे ये हो गया, इसका रेडियस उसने कितना दिया हुआ है 3 और इसका सेंटर इस पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे कितने सर्कल हैं, बहुत सारे सर्कल हैं, जैसे यहाँ पर भी एक सर्कल जिसका सेंटर इस पर आ रहा है, यहाँ पर भी एक सर्कल, इनफैक्ट यहाँ पर भी, इसके जस्ट बगल में भी होगा एक, ठीक है, उसके जस्ट बगल में भी होगा, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल से बन जाएंगे ऐसे, मतलब एक्सटीरियर एक ऐसा कुछ आ जाएगा इसमें, तो कह रहे हैं इन सारे सर्कल्स का मुझे लोकस चाहिए, ऐसे जितने भी सर्कल्स बनेंगे इनके हर एक पॉइंट का, मतलब हर पॉइंट को वी कह रहे हैं ना, द लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन द सेट, तो इस सेट में हर एक पॉइंट का मेरे को लोकस चाहिए, तो देखने पे ऐसे हो चलो जैसे अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, तो यहां से यहां तक तो मेरे पास रेडियस 5 था, अब ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, इसका रेडियस 3 है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 5 - 3 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट आ जाएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 यूनिट आ जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, समझ गया, तो मिनिमम डिस्टेंस 2 आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस 8 आ जाएगा, और अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो देखो यहां पर डिस्टेंस 2 आ रहा है, यहां तक का डिस्टेंस तो 2 आ रहा है, यहां से जस्ट आगे जाओगे 2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2 से थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, फिर 3 हो गया, फिर 3 से थोड़ा बड़ा, ऐसे करते करते जब यहाँ लास्ट तक जाओगे तो डिस्टेंस 8 हो जाएगा, इसका मतलब है तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनका डिस्टेंस जो है सेंटर से 2 से लेके 8 के बीच में है, और अगर आप इन सबको ज्वाइन करोगे ना तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक अंदर एक सर्कल आ जाएगा इंटीरियर में जिसका रेडियस 2 होगा, और बाहर एक सर्कल आ जाएगा जिसका रेडियस 8 होगा, और इसके बीच के हमारे पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, समझ गए, तो ये पूरा ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा सेट ऑफ सर्कल्स में, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, अब ये रिंग सी बन जाएगी ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट जो है इसका मिनिमम डिस्टेंस 2 है, मैक्सिमम डिस्टेंस 8 है, जो लोकस आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से लेकर 64 तक, बताओ भाई समझ आया नहीं समझ आया, देखो क्या था इसमें, ऐसा बोला था एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 5, तो एक सेट ऑफ सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 3 है, उनका सेंटर इसकी पेरिफेरी पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमने एक सर्कल बनाया, ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे, तो वो जब बहुत सारे सर्कल बनाओगे तो क्या होगा ना, एक रिंग सी बन जाएगी, आप सर्कल को थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो तो आपको देखने में समझ आ जाएगा कि एक रिंग सी बन जाएगी, तो उन सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका हमें लोकस है, तो वो मैंने जब देखा कि भाई वो रिंग बन रही है वो तो क्या बना देगा, वो मतलब ये आप ऐसे इसको मूव करते रहोगे तो आपके पास ये पूरा एरिया आ जाएगा ना, पूरा एरिया ही तो आ जाएगा ये वाला लोक, मतलब ये पॉइंट सारे इन सब एरिया इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि सर्कल को थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो ना तो वो एकदम ऐसा हो जाएगा कि वो एक रिंग सी बन जाएगी, तो मिनिमम डिस्टेंस अब ये एक ऐसी रिंग सी बन गई जिसका मिनिमम डिस्टेंस 2 है और मैक्सिमम डिस्टेंस 8 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, भाई सारे पॉइंट जो है इस रिंग के बीच में, तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ के बीच में, 2 से 8 के बीच में हो गया, तो बेसिकली एक्स के प्लस वाई स्क्वायर 4 से 64 हो गया, तो बेसिकली इस सर्कल के बीच दो सर्कल के बीच का रीजन हो गया पूरा लोकस जो आएगा हमारे पास, ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, ये प्रॉब्लम 10 हो गया हमारा, प्रॉब्लम 11 द स्ट्रेट लाइन ax प्लस by इज इक्वल टू 2 फिर ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 touches the circle x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0 and is normal to circle
स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। करो भाई, आज जो इवनिंग वाली क्लास है वो वन से टू है, कैलेंडर में आप देख लेना, वो टू से थ्री नहीं है, वो वन से टू है। ठीक है, तो जैसे आपकी 12:30 वाली क्लास खत्म होगी, जल्दी से कुछ खा पी के आप वन से टू में आ जाना, उसमें हम सीक्वेंस सीरीज में आज एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। करो ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग। अब नहीं बन रही बात किसी की भी? देखो दिस स्ट्रेट लाइन इज टचिंग दिस सर्कल, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस होगा, तो एक्स के प्लस वाई स्केयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है। सेंटर कितना आ गया, वन कॉमा जीरो। ठीक है, बी की वैल्यू है एक बच्चे की, नहीं सही नहीं है, हाँ अंजलि का सही है। तो वन कॉमा जीरो इज द सेंटर, रेडियस इज जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, ये टू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो पे, अगर मैं वन कॉमा जीरो से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गे लूंगा तो टू के बराबर आएगा। तो ए प्लस बी इंटू जीरो इज जीरो, तो ए माइनस टू का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दिस शुड बी इक्वल टू टू। एक कंडीशन तो मेरे पास ही आ गई, ठीक है, तो आ गया a माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। दूसरा क्या आ जाएगा कि ये नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल है इस सर्कल की, दिस टेंजेंट इज आल्सो, दिस लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो इज नॉर्मल टू दिस सर्कल, कौन सा सर्कल था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अब ये जो लाइन होगी किससे पास करेगी, इसके सेंटर से, तो जीरो कॉमा टू इसका सेंटर है, नॉर्मल हमेशा पासेस थ्रू सेंटर होते हैं, जीरो कॉमा टू सेटिस्फाई कराओ, तो जीरो प्लस टू बी माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बी कितना आ गया, वन के बराबर आ गया हमारे पास, तो बी वन आ गया, अब इसमें पुट कर दो तो उससे आ जाएगा, तो ए माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ए स्केयर प्लस वन आ गया, दोनों तरफ स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, बिकॉज मॉड है इधर भी और इधर भी, पॉजिटिव टर्म है, तो ए स्केयर माइनस फोर ए प्लस फोर
इक्वल टू फोर ए स्क्वायर प्लस फोर, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया थ्री ए स्क्वायर प्लस फोर ए इज इक्वल टू जीरो। तो या तो ए जीरो होगा हमारे पास या ए माइनस फोर बाय थ्री होगा। ठीक है, ए जीरो हो सकता है, ए बी नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो ए जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ए माइनस फोर बाय थ्री हो जाएगा। बी वन था तो आपके पास ए की वैल्यू माइनस फोर बाय थ्री आ जाएगी और बी की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आया समझ? ठीक है, अच्छा अब कल के लेक्चर में हम करेंगे, ये हमारा हो गया है टेंजेंट आज हुआ है ना, तो आगे डायरेक्टर सर्कल नॉर्मल हो गया हमारा, डायरेक्टर सर्कल कॉर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट, ये अब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीजें वो जो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप पैकेज को करते रहे, और आज की अनाउंसमेंट है कि वो इवनिंग क्लास हमारी 1 से 2 है। ठीक है, बाकी जो आपको वीडियो भेजा है एक मैंने जी एडवांस के रिजल्ट का, उसको प्लीज शेयर करें अपने जितने भी जानकार हैं जो भी 11 12th के बच्चे हैं, तो हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। रफली इनमें से 19 स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है, इनमें से 13-14 को आईआईटी मिल जाएगा, नए आईआईटी भी मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इतना मतलब एक स्कूल से इतने सिलेक्शन होना काफी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, चलो हम उम्मीद करते हैं आप भी लोग मेहनत करेंगे ताकि आपके बैच से बहुत अच्छा रिजल्ट आए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल।